अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं ये निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि मुझे अक्सर कबीरपंथी हमारे साथी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप बाबा साहब का नाम बार बार क्यों कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो मैं उनसे यह कहता हूँ कि देखो भाई, मैं कबीरपंथी ज़रूर हूँ लेकिन यदि बाबा साहब न हुए होते तो क्या मैं कबीर साहब के बीजक को पढ़ पाता क्या, और कबीर साहब की वाणियों को समझ सकता था क्या। इसलिए बाबा साहब ने स्कूलों के दरवाजे खुलवाए, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो उनकी वजह से मैं आज कबीर साहब को समझ सका हूँ। तो मैं बाबा साहब का नाम इसलिए बार बार लेता हूँ, मैंने बाबा साहब पर सैकड़ों कविताएँ लिखी है। हमारे मान्यवर बोधाचार्य शांति स्वरूप जी बोध ने मेरी कविताओं का संकलन प्रकाशित किया जिसका नाम है बाबा होते आज अगर, तो मैं इसी शीर्षक की जो कविता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बाबा होते आज अगर तो, बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अन्यायी तो होते लेकिन इनके मुख पर ताला होता। बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अत्याचारी तो होते लेकिन इनके मुख पर ताला होता। सिर उठाकर चलता कचरू होरी ठाट से घोड़ी चढ़ता, सिर उठाकर चलता कचरू होरी ठाट से घोड़ी चढ़ता, दुल्हन लाता ठप्पे से वो चांद सितारे चूनर जड़ता, दुल्हन लाता ठप्पे से वो चांद सितारे चूनर जड़ता, तब ठगा ठगा सा ठाकुर रहता, जल बुन कर वह काला होता। बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अन्यायी तो होते लेकिन इनके मुख पर ताला होता। ठुमरी चलती ठुमक ठुमक कर, ठुमरी चलती ठुमक ठुमक कर, गजरी गजरा गमकाती खेतों में और खलियानों में, नीडर होकर आती जाती खेतों में और खलियानों में, नीडर होकर आती जाती, जो कामुक दरिंदे उन्हें ताकते उनके गले पे भाला होता। बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अन्यायी तो होते लेकिन इनके मुख पर ताला होता। घीसू कभी न घास काटता पढ़ लिख कर वह अफसर होता, घीसू कभी न घास काटता पढ़ लिख कर वह अफसर होता, कालू लालू के अपने घर होते नहीं किसी के छप्पर होता, और डालू डरता नहीं किसी से वह भी हिम्मत वाला होता। बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अत्याचारी तो होते लेकिन इनके मुख पर ताला होता। जग्गा भग्गा गंगू गब्बा, मेरे पात्रों के नाम सुनिएगा अब, जग्गा भग्गा गंगू गब्बा एमएलए और मिनिस्टर होते, ये आजकल के जो अब नाम लेना बेकार है वो नहीं होते जो केवल चमचागिरी कर रहे हैं और अपने पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं, वो दलितों की बात नहीं करते हैं। तो जग्गा भग्गा गंगू गब्बा एमएलए और मिनिस्टर होते, आरक्षण की बैसाखी पर अब तक नहीं वे चलते होते, आरक्षण की बैसाखी पर अब तक नहीं वे चलते होते, उनका ही यहाँ शासन होता, उनका मानना कुचला जाता। बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अत्याचारी तो होते लेकिन इनके मुख पर ताला होता। ऊंच नीच का भेद न होता, छुआछूत का नाम न होता, ऊंच नीच आजकल कितनी ऊंच नीच की भावना है, इतना चंद्रमा पे जाके झंडे गाड़ रहे हैं और यहाँ तू ब्राह्मण ने, मैं बनिया ने, मैं ठाकुर ने, ये शूद्र ने, ये नीच, ऐसा नहीं होता। ऊंच नीच का भेद न होता, छुआछूत का नाम न होता, मानव होते सभी बराबर जाति वर्ण का नाम न होता, और मानवता के दुश्मन का तो पूरा मुँह ही काला होता। बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अन्यायी तो होते लेकिन, ये अत्याचारी तो होते लेकिन इनके मुख पर ताला होता। कानून का सब पालन करते और संविधान समीक्षा कभी न होती। आपको याद होगा बंधुओं सज्जनों, आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक संविधान समीक्षा करवाने के लिए एक आयोग बिठाया था कि संविधान की समीक्षा करो। अरे समीक्षा का मतलब ये होता है कि इसको बदलो, सीधी बात इनडायरेक्ट में यही बात हुई। तो
संविधान समीक्षा करने के लिए, तो संविधान समीक्षा के जो आयोग बैठा उस आयोग ने रिपोर्ट पेश करी कि साहब हम संविधान की समीक्षा कर ही नहीं सकते हैं, हमारे दिमाग इतना है नहीं कि हम संविधान की समीक्षा करें। कि क्यों? कि यहाँ की यदि हम प्रथम अध्याय की एक लाइन निकालते हैं तो उधर पूरा अध्याय निकालना पड़ता है, और उधर की एक लाइन निकालते इधर पूरी खंडिका सब नष्ट करनी पड़ती है। इसलिए हमारे चारों खाने चित हो गए और संविधान समीक्षा नहीं कर पाए। तो मैंने लिखा है कि कानून का सब पालन करते और संविधान समीक्षा कभी न होती, कानून का सब पालन करते और संविधान समीक्षा कभी न होती, और दलित जनों की हर स्तर पर पूरी पूरी रक्षा होती, और दलित जनों की हर स्तर पर पूरी पूरी रक्षा होती, और रणजीत का भी जलवा होता, और मेरा नाम रणजीत है, और रणजीत का भी जलवा होता वह भी क्या मतवाला होता, ऐसा अगरबत्ती छा पहलवान नहीं होता, दुबला पतला नहीं होता, और रणजीत का भी जलवा होता वह भी क्या मतवाला होता, बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता, ये अन्यायी तो होते लेकिन, ये अत्याचारी तो होते लेकिन, इनके मुख पर ताला होता, बाबा होते आज अगर तो चारों ओर उजाला होता। SM चैनल की प्रगति के लिए इसमें चार चांद लग जाए और ये देश में नहीं पूरे दुनिया में छा जाए आपका SM चैनल, मेरी ऐसी शुभकामना आपके प्रति में प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मूल्यवान समय हमें दिया। हम तो चूंकि फक्कड़ हैं, बाबा हैं, आज यहाँ तो कल कहाँ, तो हमारा तो ये काम है, लेकिन आपको मैं बारम्बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको समय दिया और दो शब्द कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी परंपरा है हमारे कबीर पंथियों की कि हम कहीं बाहर किसी परमात्मा को नहीं मानते, हम तो आपके भीतर बैठे परमात्माओं को मानते, इसलिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करके आपको त्रय बार साहेब बंदगी करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।